गुजरात चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार रखे हैं। मोदी और अमित शाह का गुजरात गृह राज्य है, ऐसे में उनकी साख ज्यादा दांव पर है। सोमवार को पीएम मोदी ने खुद भी मोर्चा संभाल लिया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक चार रैलियां की। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह रही कि पीएम अपना गुजरात कनेक्शन भुनाने से नहीं चूके। उन्होंने अपने आप को गुजरात का बेटा बताते हुए कहा कि वो चाय बेच सकते हैं लेकिन देश नहीं। अरे सार्वजनिक जीवन में ऊंचा उठिए, ऊंचा मुद्दों पर बात करिए। गरीब नो दीकरो देश नो प्रधानमंत्री, एनु दुख ना होवू जोईए भाई। कोई चा वेचवा वालो तमारी गादी ले ली थी, शू तमारा वारसा में लखाई ली थी? अने छास वाले मने संदेशो मोकले छे कि तमने चा वेचता करी देशु। कांग्रेस ना लोको लखी राखे आ मोदी छे चा वेचे, देश वेचवानु पाप क्यारे नहीं करे ये लखी राखजो। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने आप को किसी जगह से जोड़ा है। मोदी जब भी कहीं गए उन्होंने अपना उस जगह से कनेक्शन जरूर जोड़ा है। लोकसभा चुनाव में जब मोदी गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में आए तो उन्होंने वाराणसी को चुना। जब मोदी नामांकन करने पहुंचे तो कहा कि उन्हें यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है, वह माँ गंगा के बुलावे पर यहाँ आए हैं। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापिस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। मोदी का यह बयान लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रहा था। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी पीएम ने यहाँ के लोगों से अपना खास रिश्ता बनाया। प्रचार के दौरान हरदोई रैली में मोदी ने कहा था कि उनका जन्म गुजरात में हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है, वह अपने माँ बाप को छोड़ने वाले नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, जो उत्तर प्रदेश मेरा माँ बाप है, उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूँ, यहाँ के सांसद के नाते वादा करता हूँ, इस उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा वादा करता है। हालांकि मोदी संघ प्रचारक और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर कई राज्यों में काम कर चुके हैं, इसलिए उनके कई राज्यों के लोगों से संपर्क हैं। इसके अलावा वे एक अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसे में अपने आप को किसी जगह से जोड़ना कोई नई बात नहीं है। लेकिन गुजरात की जनता मोदी के इस रिश्ते को कितनी तवज्जो देती है ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वयं टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।